नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यंदु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। मैं जो बाय सेल सिग्नल कम्स के सॉरी मैंने कल के लिए मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए मतलब मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूँगा। इसमें मैंने निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करूँगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करूँगा और ऑप्शन चेन एनालिसिस करूँगा और प्रोबेबिलिटी को दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और बाय लेवल सेल लेवल कम स्किनर में मैंने जो रेगुलर बेसिस पे व्यू देता हूँ वो भी आप लोग को मिल जाएगा। तो इसका आप लोग इसका जो प्रोबेबिलिटी मैंने आप लोग को पहले दिखा देता हूँ। ये निफ्टी में इधर 12,000 का 7 दिन का हिसाब से सपोर्ट के आसपास जाने का प्रोबेबिलिटी है, रेजिस्टेंस के जाने का प्रोबेबिलिटी जो कम है तो मतलब डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। और इधर बैंक निफ्टी में सपोर्ट के आसपास जाने का प्रोबेबिलिटी कम है और रेजिस्टेंस के आसपास जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, मतलब बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में है। तो इधर देखिए मैंने और आप लोग इधर इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप लोग को इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बहुत सारा चार्ट का सेटअप है वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि आप लोग को स्टॉक में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और इधर आप लोग और इधर सर बहुत सारा स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट है वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसमें आप लोग को इधर ये जो और मैंने जो बाय सेल लेवल दिखा दिख रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाएगा। इंसेंट डबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी स्क्रीन इंसेंट डबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी NR4 NR7 कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। और आप लोग परफॉर्मेंस वाला वीडियोज़ देख लीजिए ताकि आप लोग को पता चल जाएगा कि ये कैसे यूज़ करना है लाइव मार्केट में और कैसे इसको स्क्रीनिंग करना है, लाइव मार्केट में कैसे इसको स्क्रीनिंग किया जा सकता है वो अभी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो और इसमें मैंने जो कैसे उसका वीडियो उसका वीडियोज़ भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखिए और इधर जो लिंक दिया है वो भी आप लोग को देखना है। देखिए इधर मैंने 1 निफ्टी 50 का 1 डेली चार्ट में ओपन किया हूँ और इधर फिबोनाची लेवल जो किया हूँ, इधर जो अप ट्रेंड दिया था इधर से जो उधर तक अप ट्रेंड दिया था तो उसके बाद थोड़ा सा ये डाउन आया था, उसके बाद जो गैप अप हुआ था तो इसको लेकिन ये ऊपर नहीं जा पाएगा मेरे ख्याल से, ये जो गैप फिलिंग थोड़ा सा आएगा। तो इसके बाद 12,032 के आसपास आने का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है और आप में जाएगा तो इसका 12,160 के ऊपर जाना पड़ेगा और इधर 12,152 और इसका इधर रिजन पर ट्रेड कर रहा है और इधर 12,015 के आसपास 12,023 के आसपास पहले आएगा, उसके बाद 12,015 के नीचे जब जाएगा तो ये और भी नीचे जा सकता है, 12,000 के नीचे जा सकता है, 11,960 तक जा सकता है। ऊपर जाएगा तो ये 12,000 पहले 132 और उसके बाद 152 और उसके बाद इसको 159 और उसके बाद 180 और उसके बाद ये 200 के ऊपर जा सकता है। और नीचे देखते हैं, देखिए 939 तक ये आ सकता है पहले, उसके बाद ये नीचे जाएगा तो इधर 11,868 तक आ सकता है, 11,860 तक आ सकता है और उसका नीचे जाएगा तो फिर से और भी नीचे जा सकता है। और इधर जो गैप मैंने जो बोला है कि गैप का जो फीलिंग वो हो होता है, गैप फीलिंग होने का चांसेस ज़्यादा है जब भी गैप अप हुआ है। आप लोग पिछले जरा पीछे देखिए, इधर जो गैप अप हुआ था तो इसे उसके पहले ये गैप फीलिंग फिर से हो गया था, इसका नीचे आ गया था। तो ये आप लोग पिछले भी देख सकते हैं, इधर जो गैप अप हुआ था 2-3 दिन बाद ये फिर से गैप फिलिंग हुआ था तो होने का चांस प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, 1 दिन नहीं तो 2 दिन या 4 दिन में ये फिलिंग होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। निफ्टी फ्यूचर्स का देखूंगा तो ये जो आप लोग बड़ा प्रोफाइल देखता है वॉल्यूम का प्रोफाइल, इसका ये जस्ट नीचे ये ट्रेड कर रहा है, इसका ऊपर इसका जो जाने का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है, नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी और इधर जो कैंडल स्टिक पैटर्न जो फॉर्मेशन हुआ है, बियरिश हरामी हुआ है निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी इंडेक्स में
और बियरी सरामी पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है और ये आप लोग देख सकते हैं, ये भी ये नीचे जाने का इंडिकेट कर रहा है और इधर ये इसका नीचे ये जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल का ऊपर जाने का 109 में पहले जाने का ऊपर जाने का प्रायोरिटी है, मतलब उसको 109 का ऊपर जाएगा तो ये अपसाइड में थोड़ा सा जा सकता है और नीचे 12,053, उसके बाद 12,018, उसके बाद 12,000 भी एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, 11,198, उसका नीचे जाएगा तो 11,968 तक आ सकता है, उसके बाद ये 11,910 के आसपास आ सकता है, उसके बाद ये लोअर साइड में लोअर साइड में ट्रेड होने लगेगा, मतलब डाउन साइड में ट्रेड करने का प्रॉबिलिटी बनेगा। और इधर 12,109 के बाद 132 मैंने फ्यूचर का बात कर रहा हूँ, 132 उसके बाद 161, उसके बाद 12,194 और उधर उसके बाद 194 और इधर 12,214 उसके ऊपर जा सकता है। और इधर बैंक निफ्टी को देखूंगा तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अप ट्रेंड लग रहा है, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अप ट्रेंड लग रहा है। इधर आप लोग जो कैंडलस्टिक बना है इस ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेक किया है, ये आप लोग देख सकते हैं इंडेक्स और फ्यूचर दोनों साइड में ये ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेक हुआ है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पैटर्न का हो सकता है इधर, लेकिन थोड़ा सा 20 MA का नीचे थोड़ा सा क्लोजिंग दिया है, 20 MA का जो थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो मतलब 31,038 के ऊपर जब जाएगा तो ये उसके बाद ये 31,122 तक जा सकता है, उसके बाद 31,305 तक जा सकता है, इस फिर से ये ऊपर जाएगा तो 31,600 तक जा सकता है, 31,600 तक जा सकता है। अच्छा, और इन द मेन टाइम मैंने थोड़ा सा बैंक निफ्टी का सॉरी बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन भी आप लोग को दिखा देता हूँ, तो ऑप्शन चेन में इसका 27 फरवरी करना पड़ेगा, तो इधर देखिए और मैंने फ्यूचर्स का भी इधर एनालिसिस किया हूँ, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा था इसीलिए मैंने उसका ऑप्शन चेन बना नहीं पाया, 31,038 के ऊपर 31,042 इसके बाद 31,038 तक जा सकता है और 31,038 तक ये जा सकता है, नीचे इसका जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल में ये ट्रेड कर रहा है तो इसका ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है, 31,176 या 31,400 तक ये 400 या 400 तक ये ऊपर जा सकता है। और इसका ऑप्शन चेन देखूँगा तो इसका पीसी रेशियो कुछ 1.03 जैसा है, ये 31,500 में इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस बना है, इधर कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट इधर थोड़ा सा शॉर्टिंग हो रहा है और पुट साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है 30,500 में, इधर इधर भी शॉर्टिंग हो रहा है तो थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट दिखेगा लेकिन अब मूवमेंट होने का प्रॉबिलिटी ज़्यादा है। और 30,500 में देखिए जो कॉल साइड में जो 30,500 या 31,000 में जो इसका 31,000 में जो मतलब कॉल साइड में जो ओपन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इधर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और इधर पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट से ये कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट 31,000 में ज़्यादा है तो इधर लगता है कि ऊपर जाने का प्रॉबिलिटी दिख रहा है। और इधर 30,500 में इसका कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट कम है पुट साइड में और इधर जो पुट साइड जो सपोर्ट में जो दिख रहा है तो इधर इधर हेवी शॉर्टिंग हो रहा है, कॉल का पुट का शॉर्टिंग हो रहा है तो ये मार्केट को ऊपर लाने का ले जाने का कोशिश करेगा। तो इधर निफ्टी का एनालिसिस में देखिए 12,000 में इसका रेजिस्टेंस बना है, 12,000 में इसका सपोर्ट बना है और 12,200 में इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस बना है और इधर ओपन इंटरेस्ट जो लॉन्ग बिल्डअप इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है और उधर पुट साइड में लॉन्ग बिल्डअप हुआ है तो ये नीचे जाने का इंडिकेट कर रहा है। और